नमस्कार दोस्तों, PCNDRYD YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप एक म्यूजिक वेबसाइट बनाना चाहते हैं और अगर आप सॉन्ग मिक्सिंग करते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप एक म्यूजिक वेबसाइट बना सकते हैं, कैसे एक सॉन्ग लर्निंग वेबसाइट बना सकते हैं खुद से ही, और आप आपकी सॉन्ग को मिक्सिंग करके आप अपलोड कर पाएंगे। और ये हमारा लेसन 7 है जिसमें आपको सिखाऊंगा कैसे यहाँ पर जो थंबनेल है सॉन्ग का थंबनेल कैसे यहाँ पर चेंज करते हैं, जो आप खुद का थंबनेल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखने में लगेगा। तो अगर आपने बाकी और वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर दिए कार्ड पे क्लिक कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जहाँ से फॉलो करके बाकी और वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ही इस लेसन 7 को देखिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने सभी वीडियोस पे कहा है कि आपको wapkis.com पर जाना है और लॉगिन करना है, यहाँ पर पासवर्ड, ईमेल एंड कैप्चा कोड को फिल करना है, उसके बाद यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं। और लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, आपको वेबसाइट पर पैनल मोड पर जाना है, और पैनल मोड पर जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन है, आपको यहाँ पर कुछ भी छिड़काने नहीं करना है, जस्ट आपको यहाँ पर जो व्यू का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। और इस व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं आपका वेबसाइट दिखाई दे रहा होगा जो कि यहाँ पर बहुत सारे सॉन्ग्स अवेलेबल है, और यहाँ पर आपको किसी एक सॉन्ग को क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आपको आपका सॉन्ग यहाँ पर ओपन हो जाता है जो कि आप कोई भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकता है। लेकिन जो यहाँ पर थंबनेल देख सकते हैं, यहाँ पर आपको थंबनेल चेंज करना है जो कि बाय डिफॉल्ट आता है, तो इसको चेंज करने के लिए यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में जाना है और यहाँ पर देख सकते हैं आइटम का ऑप्शन है, इसको आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आइटम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख पाएंगे बहुत सारा PHP स्क्रिप्ट है जो आप खुद एडिट नहीं कर पाएंगे, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जहाँ से आप एक कोड को डाउनलोड कीजिए। और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आपको 4th नंबर पर एक कोड मिलेगा जिसको आपको एक्स बटन क्लिक करके इसको एडिट करना है, और एडिट करने के बाद यहाँ पर देख पाएंगे बहुत सारा PHP स्क्रिप्ट है, सबको आपको डिलीट कर देना है। और डिलीट करने के बाद यहाँ पर आपको ओपन करना है जो कोड मैंने आपको दिया था, उस कोड को ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो पहला कोड है इसको कॉपी कीजिए, एंड कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर पेस्ट कीजिए, और पेस्ट करने के बाद इसको ओके कर दीजिए, और ये एडिट हो चुका है। और एडिट करने के बाद दोस्तों फिर से आपको जाना है इस पेज वाले ऑप्शन पर, और जाने के बाद यहाँ पर आपको HTML टैग पर क्लिक करके इसको गो करना है, और गो करने के बाद यहाँ पर आपको न्यू कोड ऐड करना है जो कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया था, उसको कॉपी कीजिए इस सेकेंड कोड को, और कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कीजिए। ये है आपका रिलेटेड सॉन्ग का कोड जो कि बहुत ही फायदा रहता है अगर आप सॉन्ग डालिंग वेबसाइट बनाते हैं, तो यहाँ पर आपका विजिटर के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, तो इस कोड को भी ऐड करना जरूरी है। तो इसका पोजीशन आप सेट कर सकते हैं, तो इसको आप 5th नंबर पोजीशन पर रख दीजिए एंड इसको ओके कीजिए, और ये हमारा सेट हो चुका है। आप चाहे तो यहाँ पर अप एंड डाउन क्लिक करके इसको पोजीशन सेट कर सकते हैं, और ये हमारा ऐड हो चुका है जो कि थंबनेल कोड और यहाँ पर मैंने आपको दे दिया है रिलेटेड सॉन्ग का कोड। तो ये दोनों कोड आपको यूज़ करना जरूरी है ताकि आपका विजिटर आपकी वेबसाइट पर बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर पाए और आपके न्यू सॉन्ग को और भी यूज़ कर पाए। तो दोस्तों इस तरीके से आप सॉन्ग डाउनलोड वेबसाइट से आप ऐड कर सकते हैं जो थंबनेल कोड और रिलेटेड सॉन्ग का कोड यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, बहुत ईजी स्टेप भी आपको सिखाया है। अगर आप इस वीडियो में कुछ कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हैं, अब मुझे पूछ सकते हैं, आपके कमेंट के रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप एक डोमेन नेम परचेस कर सकते हैं, फ्री डोमेन नेम कैसे परचेस कर सकते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो वीडियो के लिए आप वेट कीजिए,